तो यार जैसे ही आप कॉल सेंटर जॉब के लिए जाते हो और आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। मेरे ख्याल में आपको यह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इन्होंने ईद पे लड़कों से काम तो कराया लेकिन उनको सैलरियां नहीं दी थी। काफी लड़कों को मैंने देखा है वो हॉस्टल में आते हैं, उन्हें हॉस्टल का अपना किराया देना होता है और लास्ट मोमेंट पे आपको निकाल भी देते हैं। आपने अगर कॉल सेंटर ज्वाइन करना है तो आपने ज्वाइन करना कैसे है? आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट होंगे तो फिर वो आपको कहेंगे आप अब ट्रेनिंग में चले जाएं। कंपनी थोड़ी सी डाउन हुई, लड़कों की सैलरियां रोक ली, कंपनी आप हुई तो खुद खा लिए। यार मुझे काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे कि कॉल सेंटर पे एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, और मेरा खुद भी बड़ा दिल था इस पे एक वीडियो बनाने का जब से मुझे पता लगा था कि इन्होंने ईद पे लड़कों से काम तो कराया लेकिन उनको सैलरियां नहीं दी थी। कुछ सेंटर्स का तो मुझे खुद भी पता है कि किस किस सेंटर ने सैलरियां नहीं दी थी, सैलरी इशू किए थे बीच में, लेकिन मैं नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे एक सेंटर ने अपने ऑफिस में बुला के बोला था कि आप सेंटर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते नहीं तो साइबर क्राइम केस हो जाता है। मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं कि कॉल सेंटर ज्वाइन कैसे करना है, तो यार इस क्वेश्चन से पहले मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन ये काफी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। तो यार जैसे ही आप कॉल सेंटर जॉब के लिए जाते हो और आपका इंटरव्यू कम्प्लीट होता है तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। उस एग्रीमेंट को 90% लोग तो पढ़ते ही नहीं है, और जो 10% पढ़ते हैं तो उनको भी साइन करना होता है। उसका मतलब कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं, आपने साइन करना ही करना है, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट में लिखा यह होता है कि सेंटर आपको किसी भी टाइम बगैर वजह बताए आपको टर्मिनेट कर सकता है, और आपके उस मंथ की सैलरी और उससे पिछले मंथ की सैलरी, दोनों मंथ की सैलरी आपको नहीं देंगे। और ये हर सेंटर में होता है, कोई आपको बताए कोई आपको ना बताए वो अलग बात है, लेकिन ये होता हर सेंटर में है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे नहीं होता कि रेंडमली आपको निकाल दें, लेकिन अगर वो निकाल दें तो वो निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपने जब भी सेंटर ज्वाइन करना है तो आपने अपने जहन में ये बात लाजमी रखनी है कि अगर वो जॉब आपसे चली गई या कुछ हो गया तो उसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि काफी लड़कों को मैंने देखा है वो हॉस्टल में आते हैं, उन्हें हॉस्टल का अपना किराया देना होता है और लास्ट मोमेंट पे ये आपको निकाल भी देते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये हो जाता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, जो मैन हमारा टॉपिक था, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अगर कॉल सेंटर ज्वाइन करना है तो आपने ज्वाइन करना कैसे है? तो यार सिंपल सी चीज है कि अगर आपने रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में या किसी भी शहर में कॉल सेंटर ज्वाइन करना है और आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कॉल सेंटर के बारे में, तो आपने सिंपल जाना है फेसबुक पे या गूगल पे, अपने शहर का नाम लिखना है और साथ लिखना है कॉल सेंटर, ठीक है। आप उसको एंटर करेंगे, नीचे जितने भी उसका रिलेटेड पोस्टें हुई होंगी तो आपको सारी शो हो जाएंगी और वहां पे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल होगी और उनकी लोकेशन होगी। जब आपको लोकेशन मिल जाएगी तो सिंपल आपने जाना है वहां पे, देना है इंटरव्यू। इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल सा होगा, उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। वहां पे जो एचआर बैठा होता है उसको भी पीछे से उन्होंने बोला होता है कि आपने हायरिंग करनी करनी है, क्योंकि कॉल सेंटर एक ऐसी जॉब है, नाइट जॉब होती है, ज्यादातर लड़के करते नहीं है, जो भी करता है उनको एक महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जैसी उनकी जरूरत खत्म होती है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करनी पड़ती है, वो भी आपके इंतजार में बैठा होता है कोई आएगा तो हम हायर करेंगे, तो इसलिए इतना इशू नहीं होता। बिल्कुल आपको हल्का फुल्का बोलना आना चाहिए, उसके सामने कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो आपने बताना है, आपसे वो भी पूछ लेगा या एक दो क्वेश्चंस और कर लेगा और फिर आपको वहां से भेज देगा ट्रेनिंग की तरफ। इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू की अलहदा, ट्रेनिंग की अलहदा और अंदर पूरे सेंटर की अलहदा, लेकिन अभी मैंने कहा एक सिंपल सी वीडियो बना दूं जिसमें आपको हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दूं, और थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं, ठीक है। आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट होंगे तो फिर वो आपको कहेंगे आप अब ट्रेनिंग में चले जाएं। आप ट्रेनिंग में आप जाएंगे, आपको छोटी सी स्क्रिप्ट देंगे और फिर वो आपसे मतलब थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, भाई हम ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, वो मतलब उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। ट्रेनिंग बिल्कुल फजूल चीज़ है मेरी नज़र में, होती होगी काफ़ी काम की होती होगी, लेकिन मैंने दो तीन सेंटर में ट्रेनिंग ली और मुझे मतलब किसी काम की नहीं थी। वो सिर्फ आपको जो स्क्रिप्ट होती है वो याद करनी होती है, वो आपने याद कर लिया, आपने उस बंदे की एक बात नहीं सुनी ट्रेनर की अपनी, आप कामयाब हो। आपने सिर्फ स्क्रिप्ट याद करनी है, स्क्रिप्ट सुनानी है और आपको अंदर ले जाएंगे और अंदर जाके आपकी आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यार बीच में वो वाली बात भी कंप्लीट कर लूँ जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि इन्होंने लड़कों की सैलरीज नहीं दी थी ये बोल के कंपनी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। तो बीच में मैंने सुना था कि मेरी वीडियो कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो यार मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोग लड़कों की सैलरीज तो रोक लेते हो ये बोल के कंपनी के हालात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन आप लोग जब कंपनी के हालात अच्छे होते हैं तो उनको बोनसेस क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आपने कमीशन बेस करना ही है, लाइक ये कमीशन ही हो गया ना कि कंपनी के हालात ठीक नहीं है तो आपकी सैलरियां रोक ली, तो आप ये भी किया करें जब कंपनी के हालात अच्छे हो तो विदाउट एनी रीजन अपने एम्प्लॉयज को आप 5,000-10,000 रुपए ऊपर दे दें,
क्योंकि फिर इक्वालिटी हो जाएगी ना, कि क्योंकि हमेशा ये होता है कि सेंटर में जब भी सेंटर के हालात थोड़े से नीचे आते हैं तो आप लोग सैलरीज रोक लेते हैं। ये मैं किसी एक सेंटर की बात नहीं कर रहा, तकरीबन हर सेंटर में ऐसे ही होता है। कंपनी थोड़ी सी डाउन हुई, लड़कों की सैलरियां रोक ली, कंपनी अप हुई तो खुद खा लिए, तो वो भी फिर बांटा करें ताकि इक्वालिटी हो, कि भाई कंपनी के हालात जब सही होते हैं तो फिर आप सारों को मतलब एक्स्ट्रा बोनसेस देते हैं विदाउट एनी रीजन। बाय द वे मैं खुद भी सोच रहा हूँ कॉल सेंटर दोबारा ज्वाइन करूँ। पहले मैंने ज्वाइन किया हुआ था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था, मैं दोबारा ज्वाइन करने लगा था, फिर मैंने कहा यार पहले सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूँ जो आप लोग ज्यादातर पूछते हो, और फिर इन सब टॉपिक पे एक एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पहले एक वीडियो आएगी इंटरव्यू पे, फिर एक वीडियो आएगी ट्रेनिंग पे, और फिर अंदर फ्लोर कैसा होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे कॉल्स जाती हैं, मॉक कॉल वगैरह सारा कुछ उसमें कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये सारी जो सीरीज बनाऊंगा ये आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लें। लेकिन ये नहीं बोलना कॉल सेंटर ज्वाइन कैसे करें, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा आता है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।